जनपद संभल के बनियाठेड़ थाना पुलिस व एसओजी ने संयुक्त रूप से चलाए जा रहे वाहन चेकिंग अभियान के दौरान नरौली में एक संदिग्ध कार को रुकने का इशारा किया, लेकिन कार सवार लोगों ने रुकने की जगह पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसमें हाथ में गोली लगने से एक सिपाही घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस द्वारा की गई जवाबी कार्यवाही में एक बदमाश भी गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसके दो साथियों ने मौके से भागने की कोशिश की, जिन्हें पुलिस ने जंगलों में कॉम्बिंग के बाद पकड़ लिया। इस विषय में पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा ने बताया कि बनियाठेड़ थाना क्षेत्र के नरौली में पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम वाहन चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान एक संदिग्ध कार को रुकने का इशारा किया, जिसमें कार सवार लोगों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसमें गोली लगने से एक सिपाही घायल हो गया। पुलिस द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में एक बदमाश भी गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसके दोनों साथियों ने मौके से भागने की कोशिश की, जिन्हें कॉम्बिंग करके जंगलों से गिरफ्तार कर लिया गया। मादक पदार्थ तस्करों से हुई मुठभेड़ में पुलिस को घायल तस्कर के पास से लगभग 125,000 रुपए कीमत की स्मैक बरामद हुई है। पुलिस को इनके पास से एक कार और अवैध तमंचा भी बरामद हुआ है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा व अपर पुलिस अधीक्षक आलोक कुमार जायसवाल भी मौके पर पहुंच गए। क्या है सर पूरा मामला? ये आज सुबह थाना बनियाठेड़ के अंतर्गत पुलिस के द्वारा चेकिंग की जा रही थी रोड पर, तो इसमें SHO बनियाठेड़ और SOG की टीम के द्वारा एक संदिग्ध गाड़ी को रोका गया, तो इन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में पुलिस की तरफ से जो फायरिंग की गई, उसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसकी वजह से वो घायल है। दो इसमें इन्होंने भागने की कोशिश की, तो इनको पास में खेत में दौड़ाकर पकड़ लिया गया। ये एक दिल्ली नंबर की स्विफ्ट गाड़ी है, स्विफ्ट डिज़ायर, इसकी तलाशी ली गई, तो इसमें इनके पास में से एक पैकेट मिला है, जिसकी जो प्रारंभिक जो चेकिंग की गई है, उसमें इन लोगों से पूछताछ में ये पता चला है कि ये स्मैक है। इसकी मात्रा लगभग इन लोगों के द्वारा बताई गई है कि 125,000 है, जिसकी काला बाजार में कीमत, अनुमानित जो कीमत होती है, वो लगभग 1,25,00,000 रुपए होती है। इसको केमिकल एनालिसिस के लिए भेजा जा रहा है। इस कार्रवाई में हमारा भी एक सिपाही को गोली लगने की वजह से घायल हुआ है। दोनों घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। पूरी गाड़ी की द्वारा से तलाशी ली जा रही है, और साथ में इनके मोबाइल और इन सब की चेकिंग करते हुए इनके जो नेटवर्क है, उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। इसमें आगे जो वैधानिक कार्रवाई है, वो की जाएगी। कितनी कीमत की जा सर बताया जा रहा है? जो ये जो अपराधी पकड़े गए हैं, इनका कहना है कि ये जो स्मैक इनके पास में है, इसकी अनुमानित कीमत लगभग 1,25,00,000 रुपये है। कितने लोग फरार हैं सर? तीन लोग थे, तीनों पकड़ लिए गए हैं। एक घायल है, दो को खेत में दौड़ा के पकड़ लिया गया था।